आप और हम सबके पिछले 35 साल से गरीब व गणेश मान के सेवा करने वाले तारानगर विधानसभा के प्रत्याशी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, रतन के विधायक प्रत्याशी अभिनेश सिंह महर्षि साहब, सुजानगढ़ी विधायक प्रत्याशी संतोष जी, सादुलपुर के विधायक प्रत्याशी पुनिया जी, हमारे सांसद महोदय राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी, सम्मानित मंच अति सम्मानित पधारे हुए तारनगर चूरू जिले के सारे किसान भाइयों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, मैं आपको कह सकता हूं इस चूरू जिले की राजनीति में कुछ लोग वातावरण खराब करना चाहते हैं। राम सिंह कस्वा राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी राजस्थान में प्रसिद्ध थी और आज हलाल सान राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्वा की जोड़ी है। राहुल कस्वा, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे बड़े भाई तारनगर आ गए, छोटे भाई को हनुमान को टिकट दे के चूरू में है, आप इस बात को खराब मत कर देना। मैं आप इसलिए कह रवान कर रहा हूं कि चूरू में 36 कौम को साथ लेके चलने वाला आदमी है, तस्तान है, उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। इस कांग्रेस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया पूरे वक्ता बता दिया, आगे बता देंगे। मेरी सबसे एक अपील है, अगर चूरू में, तारानगर में और राजगढ़ में सरदार सरोवर, रतनगढ़ और सुजानगढ़ में 6 सीटें जीतेंगे तो राजेंद्र राठौड़ बहुत बड़े आदमी बनेंगे। चूरू में, तारानगर में, विशेषकर तारानगर में महान करना चाहता हूं मैं आपको। 25 तारीख है मतदान की, 25,000 मतों ज्यादा जीतना चाहिए राजेंद्र राठौड़। 25 तारीख है, 25,000 ज्यादा जीते, और मैंने ये आह्वान इसलिए कर रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ कैसा है कैसा नहीं है ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र राठौड़ 36 कौम को साथ लेके चलता है, इसमें हलाल सारण भी है, बसंत शर्मा भी है, अभिनेश जी महर्षि भी है, संतोष मेघवाल भी है। इसके साथ साथ इस सरकार ने किसान और गरीबों के हितैषी खिलाफ रही है। आपके सामने पहले पोताते ही ढाणी बंद की इस सरकार ने, एक खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ा। किसानों की 3,927 किसानों की भूमि विकास और कोऑपरेटिव बैंक में जमीन नीलाम हो रही है। किसान भाइयों, में आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो आज जातिवादी की बात कर रहे हैं ना, कभी किसी के आंखों से पूछ नहीं है, सुख दुख के साथी राजेंद्र राठौड़ ये पूरी टीम रही है। इसलिए अभी विदेश के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, लौह पुरुष हैं, मैं आप सबको एक ही आह्वान करूंगा कि कहीं एक जातिवाद की बात नहीं हो और राजेंद्र राठौड़ अपने नेता हैं, सबके नेता हैं, आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।